लोग मनाते हैं, एक देवता के रूप में अवतार हुए थे। अवतार क्या कर, किसानों के लिए जो स्पेशल काम थे, इसलिए किसान उसको अवतार मानते हैं। हमारी पोस्टिंग, मैं रामकिशोर रिटायर्ड SP एक बार साउथ में थी तो वहाँ गया हुआ था। मेरे से लोगों ने क्वेश्चन किया, जब उन्हें पता लग गया ये हरियाणा से हैं, हरियाणा से अफसर हैं, तो उन्होंने मेरे से क्वेश्चन किया, भाई ताऊ का मतलब क्या है, मगर आप बताओ। निमला जी, हमारे को तो यहाँ था वो देवीलाल को एज ए देवता मान रहे हैं। उन्होंने अपनी लैंग्वेज में ये बात बोली। मैंने दूसरे से पूछा, भैया क्या बोले? लजी, ताऊ देवीलाल को देवता के रूप में मान रहे। वो क्यों? क्योंकि ताऊ देवीलाल ने जो यहाँ काम किए और वो लागू है सारे देश में, इसलिए जो गरीब आदमियों के लिए, मजदूरों के लिए, किसानों के लिए जो काम किया था, इसलिए वो देवता के रूप में बुलाता है। यही जो है ना, हम भी हरियाणा में INLD और सारे मिलके उनका जन्म मनाते हैं। इस बार 105 माँ जन्मदिन ताऊ देवीलाल का गोहाना में मनाया जा रहा है और लोगों के अंदर बड़ा ही उत्साह है, जोश है। क्योंकि जोश इसलिए है क्योंकि INLD इसको स्पेशल मनाती है और जो हाल की गवर्नमेंट है उसके प्रति आक्रोश है लोगों में, और पहले वाली गवर्नमेंट को देख लिया है इन्होंने, तो इसलिए लोग बाग बड़े बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। हमारी ये सारी टीम गांव-गांव में घूम के आई है। लोग जो पास हम पोस्टर देते हैं, बांटते हैं, अभी यह लगाना है, तो वो लोग जो है ना अपने घरों में ले लेके घोस घोस के लगा रहे हैं। इतना उत्साह है लोगों के अंदर। और आपने पता ही है, INLD का और बसपा का समझौता हो गया है और इतना मजबूत लोगों में कि भाई आने वाली गवर्नमेंट INLD की ही है। और ये क्योंकि किसान और मजदूर और देहात को INLD ही बचा सकती है, इसलिए देहात को बचाने के वो खुद ही पीड़ा उठाए हर पार्टी को। निर्लो बसपा का जो गठबंधन हुआ था सीटों के, उन्होंने देख करता है जो हुआ उनका है सीटों के बारे में, लेकिन गठबंधन हो चुका है और गठबंधन मजबूत। आपके सीटें जैसे 1977 में सीटें आई थी, वही हवा बह कर आप देखना, क्या कोई भी किसी कहीं नहीं ठहरे। आंधी आ जाएगी, जब तक इलेक्शन होगा आंधी आ जाएगी। उठाने लग रहे हमारा पीछे जो है गेहूं का उठान नहीं लगा था। हरिंदर भाई हमारा यही बैठा है, हमने जो है ना हरिंदर भाई ने वहां धरना दिया और धरना पर लगे रहे और अबे भाई साहब को बुलाया। अबे भाई साहब ने विपक्ष में मुद्दा उठाया और वो गेहूं का जो है ना सारी प्रदान उठाया, मजबूर किया। अब बाजरा का है, बाजरा का देखो अब क्या हो रहा है। ये कहते हैं हम इतना रेट देंगे, बाजरा का पूंजीकृत कर दिया। पूंजीकृत किसानों को पता ही नहीं है क्या करना है, कैसे करना है। तो जब तक किसान भाई को जब ये पूंजीकृत किया था, या तो उसको नॉलेज दे, बढ़ाएं, बताएं, उनको जागरूक करें, अदरवाइज उनको क्या ज्ञान है। इन्होंने ना ATM चला दिया, ATM में उनका पैसा नहीं, उन्होंने चलाना नहीं आता, उनके पास ATM है ही नहीं। 10% और 15% के पास तो अकाउंट नहीं है किसानों के पास, ये हकीकत है। और जो पूंजीकृत होगा बाजरा कौन बना, बाजरा को दूसरा थोड़ा किसान ने का है बाजरा, यहाँ से ना वहां से आ गया, पूंजीकृत क्या हो बताओ। जब मेरी पोस्टिंग एक बार, अब ये सारे आपके सामने एजेंडा है, बिजली का 50% कर रखा है किसान गांवों का, ट्यूबवेल का सारा माफ कर रखा है, और किसानों का जो है ना जो रेट है अब जो है वो दे रहे हैं क्या उसमें भाई खाते में डालेंगे किसानों को देने के लिए। अभी जो है ना जब जो है ना ट्यूबवेल का कनेक्शन जो है ना दो साल तीन साल हो रहे हैं, ट्यूबवेल का कनेक्शन नहीं मिल रहा है सरकार ने भी, उसमें सस्ती नहीं कहे उसने, फिर वो रेट बता दिया है, दो दिन में देते हैं, ये समझते नहीं है। दो दिन में दो महीना का रेट देने लग रहे हैं, वो दो महीना की यूनिट जो है ना बढ़ जाती है, और यूनिट बढ़ के वो यूनिट आप देखो अपना पर यूनिट कितना आता है, दो महीने में कितनी यूनिट बढ़ जाती है,
वो उसमें से पैसे निकाल रहे। हमारे हम ये समझ नहीं पाते हैं लोग, ये चीजें क्या है। आम आदमी जागरूक एक महीना का ले, एक महीना में यूनिट कम होंगे, यूनिट कम होंगे तो खर्चा कम आएगा, और दो दो महीना का करते वो उसी उसी चले में चले जाए। ये है वो जो है 5 लाख का करे है, ठीक है ना, रोजगारी के लिए है, बेरोजगारों के लिए 15,000 बेरोजगार रोजगार देंगे वो हमारे लिए में। बादली का कम से कम नहीं तो 10,000 लोग यहाँ से जाए, 10,000 लोग, और सारी गाड़ियां हम देंगे, 1,000 जाए, 1,200 जाए, 700 जाए, 800 जाए, उसमें देखो सारे कोई बात ना, सारे इकट्ठे हैं, आप देख लग रहे सारे बैठे हैं, इकट्ठे एक को मिला कि उसके साथ सारे लगे, ये बैठे देखा आपके कॉन्फ्रेंस में सारे कर लो आप, हाँ वही सारे इकट्ठे हैं दिखाई दे रहे हैं सर, किसी भाई एक को मिले कर एक को निकले सारे इकट्ठे हैं, आपका तो गठबंधन है उनको भी साथ होना चाहिए। देखो वो लग रहे हैं जो साइड में, और ये कॉन्फ्रेंस की थी सारों की, ये बात सही है आपकी, वो एक तब तक एक आधे और हो जाएगी, सारे इकट्ठे करे हैं उनको भी करें वो भी आ रहे, तो आपने थोड़ा टाइम का आप अगर टाइम ले लें वो भी सारे इकट्ठा चल रहा है। और एक और बात बताऊँ आपको जी, उनके अंदर हमारे 16 तारीख को बसपा के सुप्रीमो मायावती, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला, अजय अभय सारे नेता, और उसके अंदर इतना जोश है स्पेशली बसपा के अंदर, वो जो है ना गाड़ियां दे उसमें भर के खूस खूस के ले जाए, इतना जोश है उसके अंदर। मैं देखना रैली नहीं रेला हुआ, रेला रैली नहीं रेला, और यहीं से आप सबसे चेंज हो जाए, अगर आपके कान में सारी बात पड़ गई इसमें कोई बात नहीं, आप देखना रेलवे नहीं रेला होगा। जो 25 सितंबर की रैली है इसे इंडियन नेशनल लोकदल के कार्यकर्ता और नेता अपना एक त्यौहार के रूप में मनाते हैं, और ये चौधरी देवीलाल की संघर्ष की रैली है जिन्होंने हरियाणा प्रदेश को आज़ाद कराया और एक हरियाणा का राज्य दिलाया, और उसके लिए आज हरियाणा प्रदेश में जननायक चौधरी देवीलाल के नाम से हरियाणा जाना जाता है, और उसके लिए हर कार्यकर्ता BSP और इंडियन लोग संयुक्त अपनी रैली मानकर समझौते के तहत पिछली जितनी भी रैलियां हुई उनका सारा का रिकॉर्ड तोड़कर आने वाली सरकार को ये जता देगा कि आने वाली सरकार इंडियन नेशनल लोकदल और BSP की समझौते की सरकार होगी, और ये लोगों को दिखा भी चुके हैं। जब पिछली बार एक महंगाई के ऊपर बंद का आह्वान किया था इंडियन नेशनल लोकदल ने, तो पत्रकारों से छुपी नहीं थी, पूरे प्रदेश को बंद कराने का काम दोनों पार्टियों ने मिलजुल कर किया, और उसका असर दिल्ली तक देखने को मिला। सबसे पहले आपका आभार प्रकट करना चाहूंगा, आप देख रहे हो हर एक पार्टी की आप कॉन्फ्रेंस करते हो, लेकिन बादली हल्के से इंडियन नेशनल लोकदल का जो परिवार है वो सारा आपके सामने है, पूरा 10 दिन से डोर टू डोर जाकर के अपने कार्य में लगा हुआ है, घर घर जाके निमंत्रण दे रहे हैं, क्योंकि 25 सितंबर वाली जो पिछले साल भिवानी की रैली थी उसमें 5 घोषणाएं की थी माननीय अभय सिंह चौटाला जी ने, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के आदेश अनुसार। अब की बार जो मैनिफेस्टो बनने जा रहा है उसमें आप देखेंगे 25 सितंबर को और भी किसान और कमेरे की कर्मचारी की व्यापारी की घोषणाएं बहुत होने जाएगी, बहुत बड़ी घोषणाएं 25 तारीखों को हना के अंदर पार्टी सुप्रीमो माननीय चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी, बहन मायावती जी, क्योंकि दोनों का जो भाई बहन का जो गठबंधन हुआ है, मैं ये मान के चलता हूं किसान और कमेरे की जरूरत थी देश के अंदर, जिस तरीके से पहले कांग्रेस ने और अब जो है BJP ने जिस तरीके से देश को बर्बाद करने का काम किया है, इन सब चीजों को देखते हुए आज जो तीसरा जो मोर्चा बनने जा रहा है उसकी उम्मीदवार प्रधानमंत्री की उम्मीदवार बहन मायावती होगी, और हरियाणा प्रदेश के अंदर इंडियन नेशनल लोकदल की सरकार होगी, उससे माननीय चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी मुख्यमंत्री होंगे, जो इन्होंने 10 साल कांग्रेस में 5 साल इस BJP ने जो प्रदेश को लूटने का काम किया है, प्रदेश के अंदर आप आए दिन देखो, आप साथी सारे पत्रकार साथी हो, आपने आप रोज छापते हो अखबार में, आए दिन कोई भी दिन ऐसा नहीं जो हमारी बहन बेटियों की इज्जत ना हो, कोई भी दिन ऐसा नहीं जहां पे
कर्मचारियों के साथ, व्यापारियों के साथ आज दिन लूट खसोट फिरौती जैसी घटनाएं हो रही है। प्रशासन नाम की देश प्रदेश के अंदर कोई चीज नहीं है। हम ये चाहते हैं कि 25 तारीख को जिस तरीके से माननीय बड़े भाई रामकिशोर जी ने बताया कि अब की बार जो है सारी कार्रवाई जिस तरीके से पूरे जिले के अंदर और पूरे प्रदेश के अंदर जो कार्रवाई होने जा रही है, हम जो है अपनी रैली का रिकॉर्ड आप तोड़ते। पिछली बार 22 एकड़ में रैली थी, अब की बार 32 एकड़ में रैली होने जा रही है, क्योंकि लोगों का जोश और उत्साह देखते हुए तो अब की बार जो है कार्रवाई जो है अपने रिकॉर्ड को खुद तोड़ेंगे। 300 सारा एरिया जो है 300 एकड़ का है रैली स्थल के लिए। तो जितना जोश और खरोश लोगों में है, 25 तारीख को ढोल और नगाड़ों के साथ आप देखना सारा एरिया जो है वो घोषणा के अंदर होगा, सोनीपत के अंदर, और जो घोषणाएं वहां होंगी वो आम जनता के लिए, किसान के लिए, कमेरे के लिए, व्यापारी के लिए, माननीय चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी और बहन मायावती जी घोषणाएं करेंगी, और जो सारी किसान हितैषी होंगी, मजदूर हितैषी होंगी, व्यापारी हितैषी होंगी, इन सब बातों को लेकर के हर किसान मजदूर इस इंतजार में है कि कब 25 तारीख आए और कब हम घोषणा में पहुंचे ढोल और नगाड़े बताकर। सबसे पहले तो सभी पत्रकार साथियों का मैं आभार प्रकट करना चाहूँगा इतने शॉर्ट मैसेज का तो यहाँ पहुँचे। जैसा कि आप सभी पत्रकार साथी बैठे हैं, हमारे सीनियर नेता बैठे हैं, चार थी जिन्होंने सभी अंतर्गत खोल के बात कर ली है। मैं तो यही कहना चाहूँगा कि आने वाला जो 25 सितंबर का हमारा रैली का जो प्रोग्राम है, संबंध समारोह है, उसमें बहुत बड़ी घोषणाएं होने वाली है प्रदेश और देश के अंदर जो बदलाव होने जा रहे हैं उसको लेकर के। इतना ही कहना चाहूँगा कि बहुत भारी रैली ये होने जा रही है और हम पिछली जितनी भी हमारी रैली है उनका रिकॉर्ड इस बार हम तोड़ने का उनका प्रयास करेंगे और तोड़ेंगे। जन्मस्थली चुन करके बड़े हर्षोल्लास से हरियाणा INLD पार्टी स्पेशली बल्कि